नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। रात के बज रहे थे 12:30 और पटना एयरपोर्ट में अचानक से एक फ़ोन कॉल आता है। उस फ़ोन कॉल के बाद पटना एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी में जो लोग लगे हुए थे उनके बीच में हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में पूरे एयरपोर्ट परिसर की जाँच होती है, एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। जब बाद में जाँच की जाती है तो इस बात का खुलासा होता है कि पटना एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाला जो फ़ोन था वो पटना से नहीं बल्कि कोलकाता से आया था। कोलकाता से इस फोन में क्या कुछ कहा गया और इस धमकी के बाद क्या जांच में निकल के सामने आया, सुनिए पटना एयरपोर्ट के जीएम से। एक्चुअली कुछ कॉल आए हमारा टर्मिनल मैनेजर रूम में, बोलाए कुछ बम पटना वाले पटना एयरपोर्ट का ऊपर। इन्होंने पूछा है ठीक है कहाँ से बोल रहे, कलकत्ता से बोल रहा हूँ। देन ज़्यादा नई बात नहीं किया, फ़ोन कट कर दिया। ठीक है, उसी के बाद हम लोग वाट एवर द थिंग एज पर द प्रोसीजर वाट एवर इज टू बी कॉल्ड वी हैव इन्फॉर्म्ड ऑल द बॉम्ब डिस्पोजल कोड एज वेल एज अवर सी एस एफ कमांडेंट ऑल दिस पीपल। वी हैड असेंबल्ड इमीडिएटली एट द एंटी हाईजैकिंग रूम में। देन वॉट इज द प्रोसीजर, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वाट एवर द थिंग, इट हैज बीन स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड, इट इज नॉट इट्स फ्रॉम द प्रीलिमिनरी एंक्वायरी इट हैज बीन फाउंड दैट ओनली एक बच्चे ने कुछ ऐसा बात किया है। ठीक है, क्या वो बच्चा था या कोई, इसका आवाज़ से बच्चों ऐसा लग रहा था द फेलो हु हैज अटेंडेड द फोन कॉल यस टोल्ड द थिंग्स। ठीक है, बच्चे की तरह आवाज था, बच्चे की तरफ से आवाज था, बच्चे की तरफ से आवाज था। ठीक है, मतलब क्या टेलीफोन पे, टेलीफोन में, टेलीफोन से कॉल करने वो कॉल का पता चल, बच्चे की आवाज आ रही, बच्चों का टाइप में आवाज आ रहा था। इफ यू जस्ट सी दैट इट्स लाइक नॉट ए ग्रोन अप एडल्ट और समथिंग लाइक दैट, इट इज ओनली बच्चों ऐसा आवाज था। वापस अभी एक्चुअली व्हाट एवर द थिंग इट हैज बीन ऑलरेडी एफआईआर हैज बीन लॉज्ड विद द पुलिस एंड दे विल बी मेकिंग द एंक्वायरी एंड देन दे विल बी सबमिटिंग द रिपोर्ट शॉर्टली। दे विल ट्रेस आउट द थिंग्स एंड देन दे विल डू व्हाट एवर द थिंग इज रिक्वायर्ड एंड वी हैव जस्ट ऑलरेडी एज पर द प्रोसीजर एवरी एरिया नुक एंड कॉर्नर ऑफ दिस थिंग इट हैज बीन checked and cleared all the things, everything was normal and almost 12:15 tak all work has been carried out. After everything has been cleared, so things had been closed and it has been already as a precautionary measure we already told the people also to take all the necessary precautions and check all the baggages also, whatever is required it has already been, instruction has been given. Now they are doing it for the pre-check and what is required they are doing as per the procedures. इससे पहले भी कई बार फ़ोन पे धमकियां मिलती रही हैं, 3-4 बार करीब, हर बार मतलब 4 या 5 महीने के अंतराल में इस तरह का फ़ोन कॉल पटना एयरपोर्ट पे आ जाता है। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लास्ट कॉल और समथिंग अराउंड बहुत पुराना है, नॉट 5 महीना और समथिंग, मे बी सेप्टेम्बर और सम टाइम इट हैज कम आई थिंक, नो इस बार क्लियर था कि चाइल्ड ही थे बच्चे का। हाँ, बच्चों का था, दैट इज़ वॉट वेरी क्लियर है। सो इनका आवाज़ से पता चल रहा है ये बच्चों है। कोलकाता से फोन आया, बोल रहा था कलकत्ता से बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा है, जो कॉल आई उसको लेकर क्या इन्वेस्टिगेशन किया गया, कोई अभी पुलिस विल बी डूइंग द थिंग, दे विल ट्रेस आउट द थिंग्स व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड, दे विल जस्ट फाइंड आउट एंड देन कहाँ से आया सब कुछ फाइनलाइज करके दे विल जस्ट डू द नीडफुल। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।